आज की हमारी रेसी है बेसन का ढोकला। मार्केट जैसा एकदम सॉफ्ट जाली वाला जालीदार ढोकला बनाएंगे। इसके लिए आज मैं कुछ खास टिप्स बताने वाली हूँ, तो जिसके साथ आप ये ढोकला बनाएंगे तो आपका भी ढोकला एकदम देखिए मार्केट जैसा एकदम स्पॉन्जी बनेगा। और इतना ये टेस्टी ढोकला बनता है कि मार्केट से ढोकला लाना भूल जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत है मिक्सर जार की, और इसमें डालें चम्मच की मेजरमेंट के लिए ज़रूरत है। तो ये टेबल स्पून है, मेजरिंग कप में आता है, और सिंपल ही हमारे घर में जो स्पून रहता है वो। तो अभी मैं दोनों से माप कैसे लेना है वो बताऊंगी आपको। तो ये देखें हमारे घर के जो चम्मच है उसे ये 2 चम्मच 1 टेबल स्पून में चीनी भरती है। तो ऐसे हमें 2 टेबल स्पून चीनी लेनी है, यानी चम्मच के हिसाब से 4 चम्मच। तो आपको इससे बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और 1 चम्मच इसमें सिट्रिक एसिड डालेंगे, तो ये पाउडर वाला है, थोड़ा सा दानेदार भी आता है, स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। और इसे हमें एकदम बारीक पाउडर बनाना है, एकदम पाउडर जितनी बारीक हो सके उतनी बनानी है। तो इसकी देखिए एकदम फाइन पाउडर बनानी है। इससे क्या होता है ये जल्दी से अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है, हमारा टाइम भी बच जाता है। अभी ये पाउडर को हम डालेंगे एक बाउल में, और साथ ही में अभी डालना है तेल। तो ये 2 टेबल स्पून से देखिए ये 4 चम्मच स्पून ऑयल भरता है इतना। तो दोनों से अगर मेजरमेंट आपको लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1 टेबल स्पून में ये 4 चम्मच भरते हैं, तो इससे इतना हमें 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है, यानी चम्मच से अगर लेंगे तो 8 चम्मच। और इससे अभी ऑयल डालने के बाद हमें अच्छी तरह से फेंटना है, और 1 चम्मच डालेंगे पानी, बस 1 चम्मच ही डालिए, पहले ज़्यादा मत डालिए। और इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, जितना हो सके अच्छी तरह से फेंटिए ताकि हमारे जो चीनी वगैरह है अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो थोड़ी देर फेंट लिया है मैंने, देखिए अच्छे से फेंट चुका है, थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है, और ये मिश्रण जो है हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो देखिए मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो चुका है पहले से, क्योंकि चीनी अच्छी तरह से फिट चुकी है। अभी इसमें डालेंगे ना हल्दी पाउडर, तो यहाँ पे हल्दी पाउडर पे एकदम 2 पिंच जितना ही डालना है, इससे ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो जो ढोकले में ऐसे येलो येलो रेडिश पैचेस आते हैं ना वैसे होंगे। इसके लिए ढोकले में हल्दी का एकदम कम इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा मत, बस 2 या 1 पिंच से ज़्यादा हल्दी मत डालिए। तो ये अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन को हमें ध्यान रखिए छान के ही डालना है। तो यहाँ पे मैं 1 कप और 1/4 कप यानी 1/4 कप ये मेजरिंग के लिए आप घर का कोई भी कप ले सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से छान लीजिए, क्योंकि इसमें लम्स वगैरह नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने छाना हुआ बेसन यूज़ किया तो आपका ढोकला भी है ना एकदम जालीदार और हल्का बनेगा। इसके लिए ध्यान रखिए हमेशा बेसन को छान के ही डालना है। ये मार्केट वाला मैंने रेडीमेड बेसन लिया है, क्योंकि एकदम बारीक पिसा हुआ रहता है, तो इसके लिए मार्केट वाला रेडीमेड बेसन ही इस्तेमाल कीजिए। ये बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, अभी इसे मिक्स करना है, और इसमें डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ पे जिस कप से बेसन लिया था उसी कप से 1 कप मैंने पानी लिया है, और पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें मिक्स करते जाना है, एकदम लम्स फ्री हमें बेटर बनाना है। अगर मेरी दिखाई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस तरह से अगर थोड़ा थोड़ा सा पानी हमें डालते जाना है और अच्छी तरह से फेंटते जाना है। ध्यान रखिए जितना अच्छा आप फेंटेंगे उतना ही ढोकला आपका एकदम हल्का और जालीदार बनेगा। तो बेसन को कम से कम हमें 5 से 6 मिनट के लिए एक ही साइज से हमें फेंटना है। जितना अच्छी तरह से फेंटेंगे ना उतना ही ढोकला आपका ध्यान रखिए अच्छा फ्लफी बनने वाला है। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, एक ही डायरेक्शन में हमें बस ऐसे लगातार चलाते हुए फेंटते जाना है। तो ये देखिए बेसन हमारा पहले से भी कलर भी चेंज हो गया और बहुत ही हल्का हो चुका है। बस इतना ही हमें फेंट के इसे बेसन को तैयार करना है। अभी इसमें देखिए पानी 1/3 कप हमें 3/4 कप हमें पानी लगा है, तो इसे ढक के हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के रखिए, या आधा घंटा भी रख सकते हैं, ज़्यादा वो टाइम है तो आधा घंटा ज़रूर रखिए आप।
तो आधे घंटे के बाद देखिए बेसन हमारा अच्छे से फूल चुका है। अभी इसमें इसे बेसन में बेकिंग सोडा डालने से पहले हमें ये कढ़ाई को तैयार करना है। कढ़ाई में पानी डाल के अच्छे से गर्म करने रखिए ताकि हमें इसमें फटाफट ढोकला स्टीम करने रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ना आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप बेकिंग इनोक का सैशे आता है वो भी आधा डाल सकते हैं। अभी इसे अच्छी तरह से फेंटना है। देखिए बेकिंग सोडा डालने के बाद हमारा बेसन कितना अच्छे से फूल चुका है। इससे ही हमारा ढोकला जो है एकदम अच्छी तरह से फुला फुला बनेगा, बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह नहीं रहेंगे, एकदम मस्त ऐसे जालीदार ढोकला बनने वाला है। तो इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने, एक ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं, आधे से एक मिनट ही मिक्स कर लीजिए और ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अभी ये केक टिन मैंने लिया है, इसे भी पहले ही आपको तैयार करना है ऑयल लगा के, या आपके पास कोई भी डिब्बा वगैरह है उसमें भी स्टील का वगैरह आप उसे डाल सकते हैं। और ये पूरा बैटर हमें डाल देना है इसमें। इस तरह से पूरा बैटर डाल देने के बाद हमें इसे तुरंत स्टीम करने रखना होता है। इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे एक दो बार और इसे तुरंत स्टीम करने रखेंगे। नहीं तो इसमें बेकिंग सोडा डाला है ना वो बैठ सकता है ढोकला हमारा। इसके लिए जल्दी जल्दबाजी कीजिए और इसे कवर करके कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए हमें स्टीम करना है। इसे मैं 25 मिनट के लिए रखती हूँ, 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक करते हैं। तो एक छुरी वगैरह डाल के देखेंगे। तो देखिए छुरी हमारी एकदम क्लीन निकल आई है, यानी ढोकला जो हमारा अच्छे से बेक हुआ है। अगर छुरी में चिपकता है तो इसे आप 5 मिनट के लिए और बेक करने रख सकते हैं। तो अभी इसे पूरा ठंडा कर लेते हैं, इसके बाद ही हमें इसे डिमोल्ड करना होता है। जल्दबाजी मत कीजिए, तब तक तड़का बना लेते हैं। तो 2 चम्मच यहाँ पे मैंने तड़का पैन में तेल लिया है और इसे थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1/4 जितनी राई, और राई तड़कने के बाद बस 2 पिंच हींग डालेंगे, ज़्यादा हींग नहीं डाले। और 2 हरी मिर्च को कट करके लंबा कट करके डाला है, साथ ही में थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे और 1/4 कप से थोड़ा सा कम यानी 1/3 कप पानी डालेंगे। 10 ml जितना ही पानी हमें चाहिए। साथ ही में डालेंगे चीनी, तो यहाँ पे 1.5 चम्मच में यहाँ पे चीनी डाली हुई क्योंकि बैटर में हम लोगों ने पहले से ही चीनी डाली है। तो अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और चीनी को अच्छे से पिघलने देंगे। तब तक हमें इसे पकाना है 1 मिनट के लिए। बॉईल आने के बाद चीनी भी अच्छे से पिघल चुकी है, तो गैस को बंद कर लेते हैं और इसको भी तड़के को भी अच्छे से थोड़ा ठंडा करना है। गरम गरम तड़का बिल्कुल नहीं डालना है। तो देखिए ढोकला भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इसके ऊपर प्लेट रख के आप थोड़ा सा हल्का सा टैप करेंगे ना तो ये जल्दी से निकल आता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद कारण इसके एजेस भी निकल आते हैं। तो देखिए एकदम स्पॉन्जी हमारा ढोकला बना है, बिल्कुल भी पैन में वगैरह भी नहीं चिपका है, मस्त ऐसे ढोकला घर पर बन के तैयार है। तो इसके कर लेते हैं पीसेस। तड़का डालने से पहले इसके पीसेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें ना तड़का पूरी अच्छी तरह से लगता है। अभी आपके मनपसंद आप पीसेस कट कर सकते हैं, तो थोड़े से मोटे ना मैं मार्केट जैसे ही पीसेस कट कर रही हूँ। कट करते हुए समझ में आ रहा होगा कि कितना स्पॉन्जी हमारा ढोकला बना है। तो अभी ढोकला बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम स्पॉन्जी सॉफ्ट जालीदार ढोकला आपका घर में आसानी से बन सकता है। तो देखिए कितना स्पॉन्जी बना है और टेस्टी भी उतना ही मार्केट जैसा ही लगता है। और थोड़ा देखिए तड़का भी अच्छे से थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, एकदम भी ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इसे हमें डालना है और ये पूरा तड़का इस पर डाल देना है तड़के से बहुत ही, क्योंकि अगर पानी तड़का वाला पानी इसमें नहीं डाला ना तो ये ढोकला जब खाते हैं ना तो गले में ऐसे अटक जैसे लगता है, अटकता है ना वैसे हो जाएगा। इसके लिए इसमें तड़का डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा ढोकले पे तड़का डाल के हो गया है तैयार। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और नारियल कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल, इसे टेस्ट भी अच्छा आता है और दिखने में भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो ज़रूर से डालिए थोड़ा सा ही,
ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर से डाल देंगे ना, तो दिखने में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो ये हमारा ढोकला तैयार हो गया, एकदम मार्केट स्टाइल ढोकला। तो जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि ये ढोकला की रेसिपी आपको कैसी लगी। और ऐसी अच्छे अच्छे रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए तो ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। और रेसिपी अच्छी लगते है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिए। लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा जालीदार स्पॉन्जी ढोकला। तो ढोकला बनाने में अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम मस्त ऐसे स्पॉन्जी ढोकला घर पे बन सकता है। तो जल्दी से बनाइए और अपने पूरे फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए।